प्रदेश सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात प्रयासरत है, जिसके लिए वह अपराधियों का एनकाउंटर भी कर रही है। ताजा मामला रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र का है, जहां रात गश्त के दौरान पुलिस को दो बाइक सवारों पर शंका हुई, जिसके बाद उन्होंने उनकी तलाशी लेना चाही, लेकिन वह बाइक सवार मौके से भागने लगे। अपराधियों को बाइक से भागने पर गुरुबख्शगंज पुलिस ने वायरलेस पर संदेश भेजकर अपराधियों की कामबिंग करवाई, तो दोनों अपराधी शहर कोतवाली के रेती गांव के पास पुलिस द्वारा घेर लिए गए। आपको बता दें कि बदमाशों और पुलिस के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में जहां एक दरोगा घायल हो गया, तो वही एक बदमाश भी फायरिंग में घायल हुआ है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। विदित हो कि रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के रेती गांव देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि उस गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू थी। जानकारी के मुताबिक जिले की गुरुबख्शगंज पुलिस जब रात गश्त कर रही थी, तो उसे निगदिलपुर गांव के पास बाइक सवार पर संदेह हुआ, तो पुलिस ने बाइक सवारों को रोककर तलाशी लेनी चाही, लेकिन बाइक सवार वहां से भागने लगे। बदमाश ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाए और रेती गांव के पास पुलिस द्वारा घेर लिए गए। बदमाशों ने अपने आप को चारों तरफ से घिरा, देख पुलिस और बदमाशों में दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में एक गोली जहां दरोगा को लगी, तो वही पुलिस द्वारा चलाई गई गोली एक बदमाश भी लगी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। वहीं जब पुलिस ने घायल बदमाश से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह कुछ दिन पहले सरेनी थाने में प्रधान पर फायरिंग करने का आरोपी निकला। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस भागे हुए दूसरे बदमाश की खोज में जुट गई है। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारी संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। किस तरह का बदमाश था, यह कितने लोग गिरफ्तार करा चुके हैं? ये लालगंज रायबरेली रोड पे इंस्पेक्टर गुरुबख्शगंज आज रात में चेकिंग कर रहे थे, तो उस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को उन्होंने रोकने का इशारा किया, तो उस पर वो रुके नहीं और पुलिस पार्टी को फायर की, तो उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी। बाद में और आस पास के थाने के क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की, तो उसमें एक बदमाश घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। यह 25,000 रुपये का साथी इनामी अपराधी रहा है, जो अभी 20 जुलाई को उसके ग्राम प्रधान के ऊपर जानलेवा हमले में साथ छूट करके लोगों वांछित था। इसका लंबा आपराधिक इतिहास भी है, फतेहपुर कानपुर और दूसरे जिलों से भी कई मुकदमे पहले किए जा चुका है, तो इसको अभी जिला अस्पताल लाया गया है, इसका प्राथमिक उपचार हो रहा है। दूसरे बदमाश की तलाश हो रही है, पुलिस टीम में लगातार काम कर रहे हैं। इस घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है क्या? एक इंस्पेक्टर को चोट लगी है, वो उनको भी अस्पताल लाया गया है, उनका भी उपचार कराया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार करते बाहर। क्या क्या बरामद हुआ इनके पास और क्या उन्होंने बताया? इस इनामी बदमाश के पास से एक पिस्टल और काफ़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। दूसरे इसके साथी की तलाश अभी चल रही है, जिसे काम गिरफ्तार होता है या निकला जाता है उसके बारे में।